नोएडा पुलिस ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है वो पीसीआर वैन पर तैनात थे। बताया गया कि चौकी इंचार्ज और सिपाही महिलाओं की मदद से लोगों से वसूली करते थे। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो लोगों पर रेप का आरोप लगाती थी, जिसके बाद लोगों से 50,000 रुपए वसूले जाते थे। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, ये काफी चौंकाने वाला मामला है, पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, कब से ये मामला चल रहा था? जसवीर, बता दूं आपको, एसएसपी को लगभग 3-4 लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी कि ये पुलिस वालों के साथ मिलकर कुछ 10-15 लोग एक तरह का गैंग चला रहे हैं, जो इसमें कुछ महिला भी शामिल है। महिला रास्ते में देर रात कार को हाथ देकर लिफ्ट लेती थी और उसमें फिर बाद में जहाँ चौकी की पीसीआर खड़ी होती थी वहां जाके कार को रुकवा लेती थी। उसके बाद फिर जो कार सवार था उस पे दुष्कर्म का आरोप लगा के उसे ठगी करते थे। तो काफी लंबे समय से इनका एक गैंग चल रहा था। एसएसपी को सूचना दी तो एसएसपी ने अपनी जांच टीम बनाई। जांच टीम में जो 3 पुलिस वाले और अन्य 15 लोग को देर रात गिरफ्तार करने का दावा किया। जी जसप्रीत, बिल्कुल। अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत